हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदना। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो फैब्रिक पेंटिंग का है, और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो जो शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसके आगे का पार्ट है। तो कुछ मैंने पत्तियां वगैरह आपको और ये पैटर्न कैसे ड्रॉ किया है मैंने, वो सब मैंने शेयर किया था उस वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, अदरवाइज मैं लिंक दे दूँगी एंड स्क्रीन पर। तो गाइज, ये जो वीडियो है फैब्रिक पेंटिंग का है, और इसमें बहुत ही इजी सिंपल तरीके से मैंने पेंटिंग करके दिखाई हुई है। और गाइस, ये मेरी कुर्ती पे मैं पेंटिंग कर रही हूँ, और इस फैब्रिक के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। जो ये फैब्रिक है, ये थोड़ा सा है तो कॉटन, बट ये थोड़ा सा थिन है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो पूरा पैटर्न है वो मैंने वाइट कलर कर रखा है, वाइट पेंट किया है पहले मैंने इसको, क्योंकि थिन कॉटन फैब्रिक में क्या होता है गाइस, जब भी आप पेंटिंग करते हैं तो वो जो हमारा पेंट है, कलर है, वो नीचे निकल जाता है, अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो फिर अगर आपको करना ही है पेंटिंग और आपने मतलब फैब्रिक भी ऐसे थिन चूज़ कर रखा है, तो फिर आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने पहले सारे पैटर्न को, मतलब जो भी डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है उसको पहले मैंने वाइट कलर कर दिया है। देन उसके ऊपर हम वही कलर अप्लाई करेंगे जो हमको करना है। ग्रीन में यहाँ पर ग्रीन और वाइट का सेट कर रही हूँ यहाँ पर। सो गाइज, ये अच्छा सा तरीका है, बट अगर आप जहाँ तक हो आप थोड़ा सा थिक फैब्रिक ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको ये डबल डबल काम नहीं करना पड़ेगा और मिक्सिंग भी बहुत अच्छे से आएगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वैसे गाइस, मैं अब एक नया वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उसमें पूरा बताऊँगी डिटेल में कि आप फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं, कौन सा बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। और इससे पहले एक वीडियो और शेयर किया था मैंने, कुशन कवर पर फैब्रिक पेंटिंग करके दिखाई थी, उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई थी आपको, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से फैब्रिक पेंटिंग करते समय हम सावधानियां रख सकते हैं जो कि हमारी फैब्रिक पेंटिंग बहुत अच्छे से हो। सो गाइस, वो सारी बातें मैंने आपसे शेयर की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, बहुत सारे दिवाली डेकोरेशन के वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ मैं यहाँ पर चैनल पे। पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और मैं अपलोड करती हूँ बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस। सो गाइस, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ में। और कोई भी डिमांड है आपकी, कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। वो सारी वीडियोज़ की मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगी उनको मतलब बनाने का, अपलोड करने का। तो अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा गाइस, और इसका जो फाइनल लुक है कैसा लग रहा है आप मुझे ये भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है थोड़ा सा ही मैंने बनाया है, और जो नीचे का एरिया होता है दामन जो हम बोलते हैं हमारे कुर्ती का, उस पर मैंने बनाया हुआ है। चाहे तो आप ये नेक पे भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और गाइस, कुछ कैमरे में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या, थोड़ा सा जो अच्छे से इसमें नहीं आया है वीडियो, बट ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो मेरा, ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एंड का लुक देखना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन उभर के आया है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत सिंपल पेंटिंग है, एक बार आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, करके देखिएगा। आई होप आपको ये बहुत इजी लगेगा, और अगर आपको पैटर्न बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी इसके लिए कि हम किस तरह से कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं या फिर किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वो गाइस, आपको जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके थ्रू आपको अपने आप ही आएंगी, अपने आप ही नॉलेज होगा। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई आप पेंटिंग मेहंदी का वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।